बस्मिल्ल रही नाजरीन अल्लाम आप देख रहे हैं वाच टाइम्स मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर नाजर जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें सलामत रहें हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में नौसरबाजी का ग्रुप या नौसरबाजी का कारोबार इस कदर अरूज पकड़ता जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हाल ही में कुछ कमीशन एजेंट कुछ नौसरबाज जेल यात्रा करके बाहर आए मैं बात कर रहा हूँ उजमा खान की उसने बाहर आते साथ ही अब दोबारा से पाकिस्तानी अवाम को लूटना शुरू कर दिया क्योंकि हमने पहले एक दावा किया था एम शॉपिंग वर्ल्ड के जो वसीम अक्रम थे उनके साथ उज़मा खान की मुबैना तौर पर नकाह हुआ है और उसके बाद वसीम अक्रम दुबई भाग गया उज़मा खान ने पाकिस्तानी अवाम को लूटा एक तरनोल का रिहाइशी है उसको डेढ़ से दो करोड़ रुपये का चूना लगाया उसने पर्चा कराया उस्मा खान गिरफ्तार हुई जेल चली गई लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे कैश वर्थ के ऊपर कैश वर्थ के जो मालिक हैं हम पहले से दावा कर रहे हैं इसके बिहाइंड पे पर रहमान ख़ान न्याजी है फ़्रंट पे राजा रियाज आमिर बशीर मलिक नवीद और दीगर नुसरबाजों का टोला है आपको नाजरीन हमारी बातें सच्ची लगती नहीं है क्योंकि आप लालच में अंधे हुए होते हैं और जब तक लालची ज़िंदा है ठगबाज नौसरबाज़ भूखा नहीं मरेगा आज हमें एक वीडियो मौसू हुई जो हाइफा खान जो कैश वर्थ को प्रमोट कर रही थी नाजिन आपको एक बात मैं बता दूं कि राजा रियाज का ये पुराना वेरा है जब इसने माजी में एक कंपनी बनाई थी हेल्थ एंड वेल्थ के नाम से उस कंपनी में भी राजा रयाज खातन को आगे रख के प्रमोशन करता था क्योंकि राजा रियाज लालच रवस का पुजारी है इसका दिल नहीं बरता इसका पेट नहीं भरता और ये बातें इतनी चुकनी चुपड़ी करता है पैसे ये बातों के ही लेता है जिस तरह बी फोर यू जब डूबने लगी तो उसमें आखिरी सुराख राजा रयाज ने किया था शुरू में हमने जो विजुअल्स चलाए जो मुतासरीन चलाए जो राजा रियाज को कितने अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं लेकिन मैं आपको एक बात यह भी दावे से कह सकता हूँ कि राजा रियाज को कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जोली उठा उठा कर बदवाएँ देते हैं क्योंकि राजा रियाज की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खानदान डूब गए हैं बहुत सी ऐसी बेवाएँ हैं जिनके पास जो जमा पूंजी थी वो लुट गई है राजा रियाज तो सिर्फ अपने एक पाव गोश के लिए अगले शख्स की पूरी भैंस ज़बा कर देता है आज मैं कुछ वॉइस नोट भी चलाऊंगा और मैं ये साबित करूँगा कि कैश वर्थ भी रहमान ख़ान न्याजी की है मैं ये भी साबित करूँगा कि कैश वर्थ में ये लोग दावा कर रहे हैं आज हाइफ़ा ख़ान की जो वीडियो है इसमें कहा गया जी एक माह में हमने अट्ठाईस हज़ार मेम्बर कर दिए हैं तो राजा रियाज साहब आप तो नौ के लीडर हैं तो क्या कभी आपने तन्हाई में ये सोचा है कि जो गरीब मुतासरीन है उनको पैसे वापस करवाए जाएँ क्योंकि एक जराए के मुताबिक हमें यह भी इतला मिली थी कि आपको सैफुररहमान ख़ान न्याजी ने पाँच करोड़ रुपये दिए हैं ये उस वक्त की बात है जब आप लोगों को कहते थे कि हम एक नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम सिक्योर रिनेक्स है फिर आपने एक ड्रामा खेला कि डबल एन वाली नहीं सिंगल एन वाली है फिर आपने एक ये भी ड्रामा खेला जिसमें आपने एक वॉइस नोट वायरल करवाया जिसमें आप पंजाबी में कह रहे हैं ये भागने वाले भाग गए अब आपने जो करना है कर लें तो राजा रियाज साहब आपकी कौन सी बात सच्ची मानी जाए क्योंकि आपने तो पाकिस्तानी आवाम को लूटना है आप बातें इतनी मीठी करते हैं बातें इतनी झूठी करते हैं कि खुदा की पनाह आपको खौफ खुदा नहीं है कैश वर्थ के हवाले से हाइफा खान जो एक नई खातून एक नई बुलबुली एक नई तितली मार्केट में लॉन्च की गई है वो अब लोगों को किस तरह मोटिवेट कर रही है ज़रा इसकी ये वीडियो देखें इसकी हमने तस्वीर इस वजह से चलाई है कि हो सकता है हाइफा खान को भी राजा रियाज की असलियत ना पता हो हो सकता है हाइफा ख़ान को भी राजा रियाज के मतलब ना पता हो कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा नौसरबाज़ है जिसने 2013 में भी फ्रॉड किया 2014 में भी फ्रॉड किया 2015 में भी फ्रॉड किया हो सकता है हाइफा ख़ान को ये भी ना मालूम हो कि राजा नौसरबाज लाहौर जेल में की यात्रा करके आया है हो सकता है हाइफा खान को यह भी ना मालूम हो कि राजा नौसरबाज में इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये लोग बाज नहीं आते इन लोगों ने आपके जज्बात से खेलना है राजा नौज अब जो नौबाज़ी कर रहा है वो किस तरह के ड्रामे कर रहा है ये आपको हाइफा खान की वीडियो सुनाते हैं उसके बाद राजा रियाज मोटिवेट जो कर रहा है खुतिन को स्पेशली वो किस तरह कर रहा है जरा ये मुलाजा कीजिए ये सुनिए और शायद आप महजूज़ हो और शायद आप हमारी बातों पर यकीन कर लें कि हम जो कुछ कह रहे हैं हक और सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए कह रहे हैं I'm very glad to announce that we have successfully completed our first month of CashWord and now we are the family of 28,000 members, Alhamdulillah. At this proud moment, my hearty congratulations to Mr. Raja Rayaz for his supportive leadership and diligence. Also, I thank him for giving an opportunity to be a part of this great initiative. To celebrate our success, we will be conducting an event very soon and we will honor the hard workers with the Umrah and Dubai package in coming months, inshallah. We will give our 100% to bring Cashworth as an unbeatable brand in networking industry with all your support. Thank you so much, everyone, and I wish you all a very best of luck for the future. आई होप टू सी यू गाइज वेरी सुन इन टेक केयर खुदा हाफिज मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम जब दुबई आए तो जरूर मिलिएगा देखें सैफ साहब के साथ तो जो भी मामला हैं वो आपके सामने ही हैं लेकिन मैं अगर आपको कुछ कह रहा हूं तो आई I मीन mean इट न्यूट्रल होकर सिर्फ सोचिएगा कि आप एक और जात होते हुए कहां तक गए? मुझे ये बता दें कि कितने लोग जो हैं वो निकले आपके साथ अल्लाह बेहतर करेगा जो रब को मंजूर होगा मिलने होंगे तो सबको मिलेंगे लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड आई मीन इट और आपको पता है कि मैं अगर कहता हूं तो फिर मैं करता होता हूँ नाजरीन ये आपने हाइफा ख़ान की वीडियो देखी उसकी आवाज़ भी आपने सुनी आवाज़ बहुत सुरीली बहुत प्यारी है लेकिन मैं दुआ करूँगा कि हाइफ़ा ख़ान इन नुसरबाजों से महफूज रहे क्योंकि हो सकता है हाइफ़ा ख़ान ये तस्वीर किसी और की हो नाम किसी और का हो क्योंकि राजा साहब तो नुसरबाजी के मायरे हैं एक्सपर्ट हैं उनसे अच्छा नुसरबाज इस मुल्क में कोई है नहीं सैफुररहमान ख़ान न्याजी की जहाँ तक बात करें सैफुररहमान ख़ान न्याजी अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहा है सैफुररहमान ख़ान न्याजी ने जितना पैसा पाकिस्तानी आवाम से लूटना था कुछ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन की जो पैसे हैं वो खा रहा है और कुछ उसने अपने ससुराल वालों के नाम पे कोई जायदादें ख़रीदी हैं कुछ जायदादें ली हैं उनके पैसों पर वो अब इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी गरीब मुतासरीन जिन्होंने इस सोच के साथ पैसे लगाए थे कि शायद उनके पैसे डबल हो जाएं लेकिन एक बात जहन में रखिएगा जब तक मलक नवीद राजा रयास सरदार रयास आमिर बशीर नाजिम राजपूत इन जैसे नसुरबाज बैठे हैं तब तक आपके पैसे डबल नहीं हो सकते क्योंकि इन लोगों ने अपना कमीशन खाना होता है उसके बाद कंपनी का मालिक इनको पहले बता देता है कि मैंने इतना अरसा चलना है उसके बाद मैं रफू चक्कर हो जाऊँगा जिस तरह एम शॉपिंग वर्ल्ड वाला आप देख लें जिस तरह आई वाला आप देख लें जिस तरह आप एक और वो कंपनी थी जो चूज़ों और फिर पैम्पर अब मैं नाम भूल गया क्योंकि कंपनीज इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं आप ऐप को देख लें यार कि जिसको अभी जमानत मिली है आदम अमीन चौधरी को उसने गरीबों के पैसे देने की बजाय बुराक प्रॉपर्टी के नाम से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है कितनी कंपनी आपको गिनवाऊँ खुदारा इन नो के धोखे में मत आए इन्होंने सिर्फ आपको लूटना है इन नौबाजों ने सिर्फ़ आपके जज्बात से खेलना है इन नबाज़ों ने, ने सिर्फ आपके पैसों पर अयाशी मारनी है इन नौसरबाज़ों ने सिर्फ़ आपके पैसों पर अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारनी है और उसके बाद यही नौसरबाज़ आपको अक्सर होटलों में बैठे हुए एक कट चाय मंगाते हुए नजर आएँगे और मिलेंगे जो हमने अपनी आँखों से देखा है खुदारा कैश वर्थ में भी आप इन्वेस्टमेंट मत करें क्योंकि राजा रियाज ने दोनों हाथों से पाकिस्तानी अवाम को लूटना है और इसके लिए उसने अब खातान का सहारा लेना शुरू कर दिया हाइफ़ा है। ख़ान ये पहली नहीं है माजी में आप जाएँ तो हेल्थ एंड वेल्थ में भी बहुत इस तरह की खातन आई थी अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़